हेलो दोस्तों, आरजी कुल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्लपूल का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आज इसका डेमो देख लेंगे कि किस तरह इसको ऑपरेट करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं हो पाता है कि किस तरह इसको ऑपरेट करना है। तो आज हम देखते हैं इसको कैसे चलाना है, किस तरह से इसको कपड़े धोना है, किस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे सारा फिटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नल खोल दे रहे हैं ताकि यहाँ पानी जो है लगातार मशीन में आता रहे। तो आप मशीन जब भी यूज करें तो नल आप ऊपर से नल खोल दें। दूसरा, आप स्विच ऑन कर दें मशीन में, तो मशीन में सप्लाई आ जाएगा। तो आप सबसे पहले देख लेंगे एक बार पैनल में कि किस टाइप का क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार इसमें नज़र डाल लें, ठीक है। ये वर्लपूल का 7.5 kg मशीन है। तो सबसे पहले आप जितना भी कपड़ा मशीन में है, ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि मशीन में कितना है कपड़ा, यानी कि उसी के हिसाब से आपको वाटर लेवल सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ लेवल यहाँ 5 दिया है, ऑटो, लो, मीडियम, हाई, मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम। तो उस तरह से आपको अंदाज़ा थोड़ा सा कर लेना है कि कितना कपड़ा है, उस तरह से आपको पानी लेना है। तो हमेशा आप जितना कपड़ा है उससे ज़्यादा आपको पानी रखना है, ताकि कपड़ा सही से मूव हो और अच्छी तरह से कपड़ा ऊपर नीचे चारों तरफ से मूव हो, तो अच्छा से वाश हो जाए। तो सबसे पहले इसमें आप पावर ऑन कर दें। तो आप जैसे देखेंगे डिस्प्ले में P1 लिखा आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखेंगे वाश प्रोग्राम जो दिया हुआ है यहाँ पे P1 से लेके P12, मतलब 12 वाश प्रोग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस प्रोग्राम वाले बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले में देख पाएंगे P2 हो गया, यहाँ पे नज़र डालेंगे यहाँ P2 मतलब हेवी में आ गया, P3 आ गया मतलब कि डेलिकेट में आ गया। तो इस तरह से यहाँ 12 वाश प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें चाहे इसमें अलग अलग धो सकते हैं। जैसे आप एक बार नज़र डालेंगे P1 में दिया हुआ है कि डेली वॉश के लिए जो कपड़ा यूज हो रहा है, जो कम गंदा होता है, जो डेली वॉश हो रहा है, तो उसको आप P1 प्रोग्राम में आप इसमें धो लें ताकि जल्दी से मशीन अपना काम ख़त्म कर ले। नहीं तो हेवी में डालेंगे तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो P1 कम गंदा के लिए, ठीक है, और P2 जो हेवी है वो ज़्यादा गंदा के लिए, डेलिकेट हो गया जो सॉफ्ट कपड़ा के लिए, ये P4 वाइट से वाइट कपड़ा के लिए, ठीक है। इस टाइप से देखेंगे तो सबका अलग अलग, देखिए बेडशीट के लिए, उलन के लिए, फिर ठीक है, सब अलग अलग से प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कपड़ा है वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे P9 में देखेंगे सिर्फ मान लीजिए रिंस और ड्राई करना है, मतलब खंगालना और सिर्फ सुखाना है, तो P9 में सेलेक्ट करेंगे तो आपका सिर्फ खंगालेगा और सुखाएगा, ठीक है। P10 में आपको करना है सिर्फ सुखाएगा, सिर्फ सुखाना स्पिन करेगा, और P11 में ओनली फॉर वॉश करेगा। इस टाइप से P1 से P12 तक का प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है, जैसा आपका यूज है उस तरह से आप यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो जो जो भी कार्य होगा आप यहाँ देखेंगे लाइट जलता हुआ रहेगा, जैसे सोक में जला जाएगा, वॉश, रिंस, ड्राइज, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट होगा वो सारा यहाँ पे शो करेगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा क्या क्या ये मशीन वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्मार्ट सेंसर्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसका पानी आने में दिक्कत है, पानी का थ्रो कम है, या फिर पानी मशीन में कम आ रहा है, तो इसमें स्मार्ट सेंसर दिया हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मशीन में पानी कम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे ये लाइट ग्लो हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और बजर भी आएगा, जिससे पता चल जाएगा कि वाटर में दिक्कत है, तो आप उसको आप चेक करके खुद से भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का, अगर बिजली इसको लगातार सही नहीं मिल रहा है, लो अप डाउन हो रहा है, सही वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको अलार्म दिया हुआ है। यहाँ पे ये रेड लाइट जल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस मशीन को सही से पावर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी आपको दिक्कत था, इसलिए कंपनी उसको उतना फैसिलिटी दिया हुआ है इस मॉडल वाले पे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिले टाइमर भी इसमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 घंटा बाद वॉश करना, जैसे आप डिले यहाँ टाइम देखेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ 3 लिखा है, मतलब 3 घंटा बाद मशीन ऑन होगा, ठीक है। इस तरह से 4, 5, 6, जिस तरह जितना देर में आप चाहें कि जितना देर बाद आप मशीन को स्टार्ट करना चाहें, उतना देर बाद आपको ये मशीन ऑन हो जाएगा। तो इसको फिलहाल हम 0 कर दे रहे हैं, इसका टाइमर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक दिया हुआ है, इसको फिलहाल हम 0 कर दे रहे हैं। ज़्यादा लेट हो जा रहा है, इसको 0 करते हैं अभी हम। ठीक है, 0 में चला गया। अब यहाँ एक्सप्रेस वॉश के लिए दिया है, जिसमें कपड़ा बढ़िया से धुल जाएगा, जल्दी धुल जाएगा, ठीक है। इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, फिलहाल इसको हम ऑफ रखते हैं। हार्ड वाटर के लिए, जो पानी जिसका खराब आता है या पानी बहुत डिस्टर्ब है, खारा पानी के लिए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि P3 सेलेक्ट है, तो इसमें ये प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P1 में ले आते हैं या P2 में, तो यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, P1 में मैं ले आया, तब यहाँ पे ये ले लेगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऑन हो गया। फिलहाल हम इसको ऑफ ही रखेंगे। अब वाटर लेवल हमको लेना है कि यहाँ कितना कपड़ा हम लिए हैं, तो इसके अनुसार हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम फिलहाल मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है, मीडियम में ही हमारा काम चलेगा, उतना मीडियम जितना ही कपड़ा है मशीन में। अब है यहाँ से सारा सेटिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ है स्टार्ट या पॉज बटन है 3 नंबर में, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हमको इसमें हमको सर्फ डालना होगा, ठीक है। तो जो डिटर्जेंट के लिए, जैसे यहाँ देखेंगे तो इस ट्रे में भी डिटर्जेंट आप डाल सकते हैं, ठीक है, इस ट्रे में भी डाल सकते हैं, या फिर आपको मशीन में भी आप सीधा डाल सकते हैं। तो बिना सर्फ डाले हुए मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। इतना कुछ होने के बाद आपको सिर्फ से यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ कितना सर्फ मशीन में डालना है, वो यहाँ पे मशीन शो कर रहा है कि 1.5 कप आपको सर्फ डालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह वॉश स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे अभी पानी लेना शुरू कर दिया है, यहाँ पे पानी लेना शुरू हो कर दिया है मशीन, ठीक है। तो अभी कपड़ा को सेट कर रहा है जगह जगह पे, और ये अभी पानी लेगा, उसके बाद ये टोटल जो टाइमिंग लिया है 44 मिनट का, ये टाइमिंग है जो 44 मिनट में पूरा काम ख़त्म कर देगा, लेकिन जो पानी लेने का जो टाइम होगा इसका, वो ऐड नहीं रहता है मशीन में, ठीक है। अलग अलग मॉडल पे अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इस मॉडल पे पानी लेने का जो टाइम होता है, जो इसमें ऐड नहीं है, सिर्फ इसमें सॉक वॉश रिंस और ड्राई का ही टाइम ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका है जानकारी था। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट में बताइए, और भी कुछ मशीन का डेमो चाहिए या जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।